हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोग ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन लगाना बताऊंगा, अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों, और जिससे आपके व्यू भी बढ़ेंगे। और वो कैसे बढ़ेंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ आएगा, ठीक है। और दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे तो नहीं है सब्सक्राइबर, लेकिन जितने भी हैं वो लोग अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन नहीं लगाते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एंड स्क्रीन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल से हैं तो आपको सिंपल से आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपना, ठीक है। और यहाँ पर आपको जाके क्या करना है, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप सेट कर लेना है आप लोग को, ठीक है दोस्तों। ये आप कर लेना। अब इसके आगे मैं आपको पी सी में चल के बताता हूँ, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर में पहुँच गए हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको अपने यूट्यूब में जाना है आपको, ठीक है। यूट्यूब ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको योर चैनल में जाना है अपने, ठीक है। इसको ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा मैनेज वीडियो में ओपन करना है आपको, मैनेज वीडियो देखिए, ठीक है। मैनेज वीडियो ओपन करने के बाद आपको जिस भी वीडियो में एंड स्क्रीन लगाना है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है आपको पहले, ठीक है। जैसे मैं जो इसमें लगाना है तो मैं आपको इसमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए वीडियो के साइड में डिटेल का ऑप्शन दिया, उसमें आपको क्लिक करना है सिंपल, ओके। उसके बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे ड्रैग करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो ऑप्शन दिए हैं गए हैं यहाँ पे, एंड स्क्रीन और आई कार्ड। आई कार्ड जो है ये आई बटन का काम करता है। जैसे आपके कोई भी वीडियो है और वीडियो के पर्टिकुलर किसी टाइम पे आपको बताना है, जैसे कि आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, तो आप वहाँ पे ये आई बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आई बटन के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना के बता दूँगा। अभी मैं आपको एंड स्क्रीन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल से एंड स्क्रीन में क्लिक करना है आपको, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, एलिमेंट के नीचे में आपको तीन बहुत सारे टेम्पलेट दिखेंगे, सब टेम्पलेट है दोस्तों, 1 2 3 4। ये जो बॉक्स दिख रहा है ये आपका यहाँ पे वीडियो रहेगा, और यहाँ पे जो राउंड सर्कल दिख रहा है यहाँ पे आपका सब्सक्राइब का बटन रहेगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे आपको सिंपल सा मैं ये वाला टेम्पलेट ले रहा हूँ, तो आप उसमें प्लस को निशान जो दिख रहा है बीच में उसमें क्लिक कर देना आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये इस टाइप से आपके वीडियो में शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेट कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको 10 से 15 सेकंड तक के आप मतलब 10 से 15 सेकंड तक के आप इसको लास्ट में एंड स्क्रीन लगाना दोस्तों, क्योंकि 10 से 15 सेकंड का टाइम ही बेस्ट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको ड्रैग करना है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक और ब्लू पट्टी, ये दोनों है। ये ब्लैक वाली यहाँ पर देखिए, जो ब्लू वाली है ये सब्सक्राइब का है, ये जो छोटा वाला दिख रहा है ना सब्सक्राइब का बटन, ये उसका है, और ये नीचे जो ब्लैक पट्टी वाला है ये इसका है देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मैं अब इसको आगे कर ड्रैग करके यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ 5 सेकंड का रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको ये दोनों के यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे जो सिंपल सी लाइन दिख रही है इसको भी आपको ड्रैग करके लास्ट तक लाना है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम दिख रही है दोस्तों, 2 मिनट 40 सेकंड, और ये 2 मिनट 45 सेकंड, मतलब मैं सिर्फ 5 सेकंड का लास्ट में एंड स्क्रीन लगा रहा हूँ। आप दस सेकंड का लगाना दोस्तों, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये तो आपका सब्सक्राइब का बटन ये हमेशा रहेगा आपका, ठीक है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, जैसे भी आपकी वीडियो एंड होगी तो जैसे भी आपका कोई भी सब्सक्राइबर है आपका वीडियो देखेगा, तो आपका यहाँ पे मतलब इसमें आपको क्लिक करते साथ ही आपका वीडियो मतलब आपका चैनल सब्सक्राइब कर देगा वो, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहता है दोस्तों इसमें, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो कैसे लगाना है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें क्लिक करने के बाद इसमें आपको क्लिक करने बॉक्स में तब ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट रिसेंट अपलोड, मतलब इसका मतलब ये है, जैसे आप YouTube में जो भी वीडियो अपलोड की होगी रिसेंटली वो वाली वीडियो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड है बेस्ट फॉर व्यूअर, तो आपके YouTube चैनल में जो भी बेस्ट व्यू वाला वीडियो होगा वो आपका शो होगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है दोस्तों चूज स्पेसिफिक वीडियो, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है दोस्तों थर्ड वाला, इसमें आप अपनी मर्जी से आप वीडियो सेलेक्ट करके डाल सकते हो, ये मेरे से सही लगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करते साथ ही दोस्तों ये देखिए ये आ गया। अब मुझे जो भी वीडियो डालना है जैसे कि ये डालना है यहाँ पे क्लिक कर देना, ये देख रही दोस्तों यहाँ पे इस टाइप से आ गया, और इस टाइप से शो होगा। और यहाँ पे ऊपर नीचे आप कहीं से भी और ड्रैग कर सकते हैं ऊपर, जहाँ पे आपको सेट करना है ऊपर नीचे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ इसका साइज़ भी आप अप डाउन कर सकते हैं, जैसे बड़ा करना है और छोटा करना है, ये कर सकते हैं। और दोस्तों लग रहा है आपको कि मुझे यहाँ पे एक और वीडियो डालना था, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का निशान दिख रहा है एलिमेंट, इसमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो दोस्तों वीडियो, यहाँ पे वीडियो में टच करने आप ये देखिए दोस्तों एक और बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ पे आप एक और सेकंड वीडियो डाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये है, और इसको जैसे हटाना है हटाने का भी तरीका बता दे रहा हूँ आपको, सिंपल सा जो भी बॉक्स को हटाना है उसमें आपको क्लिक करना है, जिसमें जिसमें हटाना है ये क्लिक किया तो ये पूरी तरह से ब्लू हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से इसको डिलीट, ठीक है दोस्तों, ये
तो इस टाइप से दोस्तों, और ये इसलिए बहुत फ़ायदा है दोस्तों क्योंकि जैसे हम कोई भी आपकी जैसे कोई भी वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, अगर आप उसके वीडियो उस वीडियो के लास्ट में ये एंड स्क्रीन लगा देते हो दोस्तों, तो होता क्या है आपके जो व्यूअर हैं वो आपकी वीडियो देखने के बाद आपके मतलब आपके चैनल में ये भी वीडियो डालिए आपको यहाँ से उनको दिख जाएगा तुरंत, और यहाँ पे आते साथ उस पर क्लिक करेंगे आपका वीवो वाले वीडियो भी ओपन हो जाएगा, तो इस तरह से उसमें भी व्यू जाएंगे आपके। तो ये फ़ायदा दोस्तों उसमें, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, उसको सिंपल से सेव कर लेना दोस्तों, ठीक है, फिर आपको सेव हो जाएगा आपके उसमें। और दोस्तों आप जब भी कोई वीडियो बनाते हो तो उसके लास्ट में ना 10 से 15 सेकंड ना अपना मतलब खाली ब्लैंक छोड़ दिया करो, ताकि ना यहाँ पे आप डाल सकते हो और साथ में इसके साथ म्यूजिक भी डाल सकते हो। और आपको मैं एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ अपना गूगल में जाना और यहाँ पे लिखना एंड स्क्रीन टेम्पलेट, ठीक है, और यहाँ पे इमेज कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे हैं टेम्पलेट, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे हैं मतलब अट्रैक्टिव, तो जैसे आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए ना आप ना सिंपल से इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, यहाँ से सेव इमेज करके, या फिर आप अगर मोबाइल से तो आप सीधा डाउनलोड कर लेना, और इसको अपने वीडियो बनाने के बाद ये जो टेम्पलेट है इसको आपको ना लास्ट में लगा देना, ठीक है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे शो होगा, तो आप यहाँ पे इस बॉक्स में आप ये जो इस बॉक्स को ड्रैग करके वहाँ पे लगा सकते हो आपका मतलब जो लास्ट का एंड स्क्रीन भी एकदम अट्रैक्टिव लगेगा दोस्तों उससे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।